अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मैं आपसे आज बताऊंगी कि डेटा वाज इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। डेटा इज़ ए रॉ मटीरियल, ये तो सबको पता होता है। हमारे पास डेटा दो तरह का होता है। एक तरह का हमारे पास मैन्युअली डेटा होता है, जो हम अपने बुक्स वगैरह में मतलब लिखते हैं तो वो हमारे पास मैन्युअली सेव होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारे सीवी हो गए, ये सारा क्या होता है, हमारा डेटा होता है, ठीक है। तो डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि डेटा हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन के ज़रिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन भी हमारे पास तब होगी कि जिस चीज़ की हमें नॉलेज होगी, ठीक है। मीन्स अगर हम कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे पास उसकी क्या होगी, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, तभी हम उसका डेटा बना सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन भी हमें किस तरह मिलती है, ताकि हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम सब तरह की मतलब सब तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं, ताकि हमें हर चीज़ की नॉलेज हो और हम सही तरीके से प्रॉफिट की जगह पे जाएँ, ना कि लॉस की, ठीक है। तो नॉलेज बेस सबसे ज़्यादा ज़रूर होती है कि हमारे पास नॉलेज हो। द कलेक्शन ऑफ डेटा रूल्स प्रोड्यूस इन रिलेशनशिप दैट मस्ट बी फ्लॉड टू अचीव वैल्यू ऑफ द प्रॉपर आउटकम, ठीक है। तो हमारे पास नॉलेज होगी तभी हमारे पास नॉलेज होगी तभी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे, ताकि हमारा बिजनेस जो भी हो वो लॉस की तरफ नहीं प्रॉफिट की तरफ जाए, ठीक है। तो डेटा का आप लोगों को बताओगे, डेटा इज़ द रॉ मटेरियल, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो फिर हम डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमें हर चीज़ का इल्म हो। तो इसीलिए हम इसको डेटा वाला इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन भी हमें तब मिलेगी जब हमारे पास नॉलेज होगी। सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।